गाजियाबाद में तेजी से आई फ्लू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर जो लोग हैं उनकी आंखों में दिक्कत देखी जा रही है। अंकल जी आपका शकूर खान। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? आंखों में जलन, लाल आंखें पड़ जाती, सब दर्द होने लगता है, ये पोषण हो रही है। अच्छा, हॉस्पिटल दिखाने के लिए आए, क्या उन्होंने बताया, क्या दिक्कत बताई आपको? दवा के लिए दवा लिख दी है, कहे दवा डालो ये ठीक हो जाओ। अच्छा, किस तरीके की दिक्कत आपके अंदर होती है? आपके जलन होती है साहब और आंखें लाल हो जाती है, ये पोषण है। विजय कुमार, क्या दिक्कत हो रही है आपकी आंखों में? आंखों में जलन और पानी आ रहा है। अच्छा, दो दिन से। कब से आ रहा है? 2 दिन हो गया। अच्छा, पहले कैसी दिक्कत शुरू हुई थी, फिर कैसे बढ़ी? पहले हल्का सा जैसे टेस्ट वगैरह चला जाता आंखों में, वो चला गया था, तो फिर नॉर्मली पानी से धोया मैंने, उसके बाद धोते धोते फिर ये धीरे धीरे रात को बढ़ गया, फिर सुबह सूजन आ गई आंखों में। आपका क्या नाम? आपको क्या दिक्कत हो रही है? यही परेशानी है, लाल दुख हो रही है, दर्द हो रहा, जलन है। अच्छा, अभी पहली बार आई डॉक्टर को दिखाने? पहले दिखाया था? नहीं, पहली बार आई। आपका क्या नाम मैडम? मनीषा रानी। आपकी क्या दिक्कत हो रही है? आंखें आ रही है बहुत जोर, हमारे घर में सभी की आ चुकी है, इसलिए आई है, और ऐसी दवाइयों से फायदा नहीं पड़ा जब इसमें आई। अच्छा, हाँ जी। पूरे कैसे दिक्कत महसूस होना शुरू हुई आपको? अच्छे खासे सोते हैं और सो के जब सुबह उठते हैं तो आँख सूज जाती है और दर्द के मारे खुलती नहीं है, इस तरीके से। और एक माता जी, आपको भी यही दिक्कत है आँखों की? आपके दवा लेन आई बनी हुई है नहीं था, उसमें घुटन सी हो गया। आपका क्या नाम है? उपासना। आपको क्या दिक्कत हुई थी आँखों की, कैसे महसूस की आपने? अच्छा, क्या? अच्छा, खुजली से पता लगा आपको, फिर अभी अब क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, कहीं और भी दिखाया था सीधा यहीं पे आई हो? अच्छा, आपको क्या नाम? भैया, आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत मुझे अपनी मम्मी की भी आंखों में है, एम्बुलेंस सर, आज 5 दिन और चूतिया बना रहा है। मेरा आँख का प्रॉब्लम है, धुंधला दिखा दे रहा है। अच्छा, फिल्म भी चल रहा है, आंखों में जलन महसूस हो रही है, आँखें लाल हो रही हैं। आँखें लाल हो रही हैं और पूरा धुंधला, लाइट जो है ना पूरा चमकीला ऐसा दिखाई देता है, भाई साहब का चेहरा ना देखा। क्या नाम है बाबा आपका? सुधीर यादव। अच्छा, क्या दिक्कत आपकी आंखों में हो रही है, कैसे आपकी दिक्कत शुरू हुई? आंखों में मतलब कि जलन सा रहते हैं और मतलब कि कीच निकल रहे हैं, दर्द होते हैं, सूजन है आंखों में। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया आपने, क्या उन्होंने बताया? आज आया दिखाने के लिए, आज दिखाने के लिए। वायरल उन्होंने बताया या क्या बताया? कुछ बतलाया नहीं। पूरी आपकी आंखों में दर्द है। और क्या दिक्कत है? जलन है, दर्द है। कब से ये दिक्कत शुरू हुई है? अच्छा, आपने भी चश्मा लगा रखा है, आपको क्या दिक्कत हुई है? आई फ्लू लग रखा है। अच्छा, दिखाया था आपने कहीं पे? क्या कहीं और दिखाया था डॉक्टर साहब? हाँ दिखाए थे सब, और हमारे तरफ कैंप भी कल लगा था तो डॉक्टर उठ गए थे तुरंत। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आपको महसूस हो रही है? पूरा आँख से पानी गिर रहा है, लाल हो रखा है, इतना दर्द कर रहा है कि मत पूछिए। आपका क्या नाम है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? वही आँख जो है कि आ रही है, आँख बहुत लाल हो रही है, पानी आ रहा है आँख से, अब खुल नहीं रहा है। तो साफ तौर पर ये जिला अस्पताल के बाहर की लाइनें हैं, डॉक्टर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, ये सब लोग वो हैं जिनकी आंखों के अंदर दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन ये अस्पताल के बाहर लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब लगातार इनको देख रहे हैं। ये वायरल एक तरीके का बताया जा रहा है कि इससे सावधान रहने के लिए बार बार हाथों को धोएं, ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोएं और ज़्यादातर लोगों से हाथ ना मिलाएं। जिस तरह से कोरोना वायरस के टाइम पर एहतियात बरते गए थे, इसी तरह से ये आई फ्लू से भी बचने के लिए एहतियात बरतने पड़ेंगे। सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के CMS मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, ज्यादातर लोगों के अंदर आई फ्लू देखा जा रहा है, सर क्या है ये आई फ्लू, क्या इसके सिम्टम है? ये वायरल बीमारी है, हर सीजन जो बरसात की नस में होती है, हर साल होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम देते हैं कि आँख में दर्द लरामी रहती है, आँख से पानी आता है और लगता है फॉरन बॉडी चली गई, आँख पर ककड़ाहट रहती है, ये सिम्टम्स होते हैं। सर, इससे बचाव का तरीका क्या होता है, कैसे बचाया जाए? बचाव के लिए इससे जिसको बीमारी हुई है तो बाकी लोग हाथ नहीं मिलाएं, रुमाल ये सब अलग रखें, गर्म पानी से आँख धोएं और एंटीबायोटिक्स डालें। अच्छा सर, अपने यहाँ पर कितने मरीज ऐसे होंगे, कोई ऐसा वार्ड उनके लिए बनाया गया है स्पेशल? इसमें एडमिट जरूर नहीं पड़ती है, तो बड़ी प्रोसीजर है, घर पर रेस्ट करें ठीक हो जाता है, सारी दवाई मौजूद हैं, दो दो डॉक्टर हमें मौजूद हैं, दो टेक्नीशियन हैं। कोई डॉक्टर एक्स्ट्रा भी बढ़ाए गए इसी? एक्स्ट्रा नहीं, वो दो डॉक्टर हैं हमारे। अच्छा, कितने पेशेंट ऐसे होंगे डॉक्टर साहब जो रोज आ रहे होंगे?
100-150 पेशेंट है। तो साफ तौर पर ये गाजियाबाद के सीएमएस हैं जिन्होंने बताया कि पेशेंटों की संख्या बड़ी है, उससे बचने का तरीका भी गाजियाबाद सीएमओ साहब सीएमएस साहब ने बताया कि कैसे उससे बचा जा सकता है। तो बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जिस तरह से कोरोना काल में हमने सेफ्टी बढ़ती थी, इसी तरह से इस आई फ्लू से भी बचा जा सकता है। सोनू खान, जनरेट टाइम्स, गाजियाबाद।